हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न शॉर। आज डिस्कस करेंगे वोकैबुलरी को। ये वोकैबुलरी का फोर्थ लेक्चर होगा। इससे पहले तीन लेक्चर हो चुके हैं। आप उनको अगर आपने देखा है लेक्चर को, क्लास को, तो आप अब थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड वो की है स्टालवर्ट। स्टालवर्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, स्टालवर्ट का मतलब होता है ऐसा कोई पर्सन। पहली बात तो ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव है तो किसी पर्सन की बात हो रही होगी या किसी थिंग की बात हो रही है, नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में बताया गया, इसलिए तो ये एडजेक्टिव है। तो किसी के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत स्ट्रेंथ है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा माइंड और स्पिरिट से बहुत एक्टिव है, हेल्दी है, उसके लिए यूज़ करते हैं स्टालवर्ट। ठीक है, अब देख लो स्टालवर्ट का मतलब क्या होता है। बहुत ज़्यादा हेल्दी, स्ट्रेंथ हो जिसके अंदर, मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो, फुल ऑफ एनर्जी हो, उसको बोलते हैं स्टालवर्ट। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लो। पार्ट्स ऑफ स्पीच का होना, पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आपको लॉन्ग टर्म में इंग्लिश को मास्टरी करनी है तो। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच में ये क्या है? एडजेक्टिव, मतलब ये नाउन प्रोनाउन के बारे में बताएगा तो स्टालवर्ट। एडवर्ब में क्या लग जाएगा? स्टालवर्टली, एलवाई लग गया, कोई दिक्कत नहीं। नाउन में क्या हो जाएगा? स्टालवर्टनेस। मैं आपकी वोकैबुलरी की रेंज को बढ़ा रहा हूँ गाइस, सिर्फ रटना और ऐसे नहीं करना है, आपको कॉन्फिडेंट फील करना है। और कॉन्फिडेंट फील कैसे होगा? जब आप उन पर सेंटेंस बना पाएंगे। पहला सेंटेंस बना लेते हैं, द स्टालवर्ट सोल्जर्स ऑफ इंडियन आर्मी आर द मोस्ट पंक्चुअल। मतलब जो हमारे यहाँ के सोल्जर, एक्टिव सोल्जर या फिर जो फुली स्ट्रेंथ वाले सोल्जर है, वो हालांकि इंडियन आर्मी, कंप्लीट इंडियन आर्मी की बात हो रही है, वो सारे के सारे क्या है? मोस्ट पंक्चुअल है। द स्टालवर्ट महाराणा प्रताप। अब महाराणा प्रताप क्या है? नाउन। नाउन के बारे में बता रहा है स्टालवर्ट, मतलब महाराणा प्रताप जो कि बहुत स्ट्रेंथफुल पर्सन थे, उन्होंने युद्ध लड़ा या वॉर लड़ी किससे? इन द हल्दीघाटी वॉर, अकबर से लड़ी थी, अकबर की तरफ से लड़ा गया था, पता ही होगा आपको। तो यहाँ पे देखो फोर्ट के बारे में कौन बता रहा है? एडवर्ब, तो इसलिए एलवाई लग गया। तो ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, हालांकि जिनको आता है उनको लग रहा है सर बहुत ईजी करा रहे हैं। मैं गाइस ईजी नहीं करा रहा हूँ, ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप कन्फ्यूज़ ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा एम्फसाइज कर रहा हूँ इन चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अभी हमने देखा एलवाई लगने से क्या बन रहा है? एडवर्ब। NES लगने से क्या बन रहा है? नाउन। इसके अलावा लास्ट क्लास में मैंने बताया था TY से भी नाउन बनता है, ठीक है, और TION से भी नाउन बनता है। तो ध्यान रखना है इन चीज़ों को। अरे एडजेक्टिव का सबसे ईजी तरीका क्या है? 99% में मिलेगा OUS, यहाँ पर OUS नहीं है, इवन दो फिर भी ये क्या है? एडजेक्टिव। तो ये प्रैक्टिस से आता है, पढ़ने से आता है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्डों को डिस्कस करने से आता है। ठीक है, तो आज का फर्स्ट वर्ड है स्टॉलवर्ड, जिसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंग स्ट्रेंथ। अब देख लो, जिसके अंदर स्ट्रेंथ है और जो मेंटली फिजिकली फिट है एकदम, वही तो बहादुर है। ठीक है, जिसके अंदर स्ट्रेंथ होगी वही बहादुर है। तो बोल्ड हो गया, डरता नहीं किसी से, ब्रेव बोल्ड ईजी है, करेजियस तो और भी ईजी है, करेजियस तो एडजेक्टिव है ही, OUS लगा हुआ है, ब्रेव भी एडजेक्टिव, बोल्ड भी एडजेक्टिव, डोंटलेस भी एडजेक्टिव, इंपॉर्टेंट वर्ड आता है एग्जाम में, डोंटलेस। डोंटलेस डाउटी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, फियरलेस ईजी, आप लोगों को पता हो। गैलेंट, आपने सुना होगा गैलेंट्री अवार्ड मिलते हैं सोल्जर्स को, तो गैलेंट्री क्यों मिलते हैं? बहादुरी दिखाने के लिए। गट्स उसके अंदर होंगे, जो गट्स होंगे जब तो आप कर पाएंगे कुछ। वैलियंट और वेलर, वेलर का मतलब होता है अगर मान लो ट्रांसलेशन में वर्ड आता है ये, या आपको वीरता बताना है, वीर, तो आप वेलर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अनडॉन्टेड, देखो डोंट, अगर सिर्फ डोंट लिखते हैं हम तो इसका मतलब क्या होता है? डरपोक। तो यहाँ पर मैंने लिखा डोंट लेस, तो लेस लगने से हट गया, मतलब वो डरता नहीं है, और अन लगने से भी अगेंस्ट हो गया, तो अनडॉन्टेड मतलब जो डरता नहीं है। ठीक है, लायन हर्टेड, ये idiom phrases में भी आता है, चिकन हर्टेड और लायन हर्टेड होता है, लायन हर्टेड जो बहादुर होता है डरता नहीं है। ऑडेशियस की बात की जाए, ऑडेशियस एक नेगेटिव वर्ड है वैसे तो, इसका मतलब होता है अति बहादुर, मतलब आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर जो चीज़ें करते हैं ऑडेशियस बोलते हैं उसको, जो कि गलत होता है। अगर आप किसी को ऑडेशियस बोल रहे हो इसका मतलब थोड़ा सा नेगेटिव सेंस आता है, इसका ध्यान रखना, लेकिन है ये ऑडेशियस मतलब अति बहादुर। एंटोनिम्स देख लो, चिकन हर्टेड अभी पता हमने, लायन हर्टेड का अपोजिट क्या हो जाएगा? चिकन हर्टेड। कावर्डली बहुत आता है एग्जाम में, कावर्ड पढ़ते हैं इसको, कावर्ड, कावर्डली, तो कावर्ड और कावर्डली। गटलेस, अगर किसी के पास गट्स है तो मतलब हिम्मत है, गट नहीं है तो हिम्मत नहीं, गटलेस। पोल्ट्रून इंपॉर्टेंट वर्ड है, हाईलाइट कर लो। पुसिलैनिमस बहुत एग्जाम में आता है, पुसिलैनिमस का मतलब होता है डरपोक। एक वर्ड होता है टीमिड या शाय, इन सब का मतलब एक तरीके से ही होता है, टीमिड, शाय, पुसिलैनिमस, कमजोर। स्पाइनलेस, देखो स्पाइन तो रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन जनरली स्पाइनलेस बोलने का मतलब ये है कि जिसकी बात में दम ही ना हो। ठीक है, एक होता है idioms भी था, स्ट्रॉ से रिलेटेड था, मैं भूल गया, तो वो एक idioms भी आता है, चेक कीजिएगा, देख लेना, अभी याद नहीं आ रहा। टेमोरस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, अनगैलेंट, अगर गैलेंट्री पावरफुल है, स्ट्रेंथफुल पर्सन है, बहादुर पर्सन है, तो अनगैलेंट क्या हो जाएगा? जो नहीं है। येलो कलर जो होता है, एक तो रेड कलर होता है खतरे का, ठीक है, येलो कलर क्या शो करता है? आपकी कावर्डनेस को, डरपोक दिखाता है, डरपोकपन दिखाता है आपका। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड थे, इसमें इंपॉर्टेंट बहुत सारे हैं, जैसे कि स्टालवर्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, इसके अलावा डोंटलेस, डाउटी, गैलेंट इजी आप लोगों के लिए, और डैशेस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, लायन हार्टेड इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि idiom phrase में आ सकता है, अनडॉन्टेड हो गया, वेलर बिल्कुल आएगा, वेलियंट भी आएगा, वेलियंट वीरता,
चिकन हार्टेड इजी है, कावर्डली आपको याद करना है, पोल्ट्रोन याद करना है, पुसिलैनिमस तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, रिपीटेडली एग्जाम में आया हुआ बहुत एग्जाम्स में, और टिमरस, ये सारे याद करने हैं आप लोगों को, ठीक है गाइज। सेंटेंस जरूर बनाएं, द मोर यू मेक सेंटेंसेज द मोर यू फील कॉन्फिडेंट, जितना ज़्यादा सेंटेंस बनाएंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है लोकोवेशियस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसको तो ऐसे याद कर लो एल ओ सी हो एल ओ क्यू हो, एल ओ सी आ जाए एल ओ क्यू आ जाए, इसका मतलब होता है टॉक से, ठीक है, बातों से। तो अगर मैंने वर्ड लिख दिया यहाँ पे लोकोवेशियस, इसका मतलब क्या हो गया, बातूनी, क्या हो गया गाइस, बातूनी, लोक मतलब टॉक, बातूनी। एक और वर्ड बनता है सोलिलोक्वाय, ये भी वन वर्ड में आता है, सोलिलोक्वाय का मतलब क्या होता है, द वन हु टॉक विद वन सेल्फ, अपने आप से बात करने वाले को बोलते हैं सोलिलोक्वाय। एक वर्ड और होता है मैग्निलोक्वेंट, इसमें भी यू लोक आ गया, एल ओ क्यू यू ई एन टी, मैग्निलोक्वेंट, मैग माने बड़ा, तो मैग्निलोक्वेंट बड़ी बड़ी बातें करने वाला, बड़ी बड़ी बातें करने वाला, ठीक है। और देख लो मैग्नी, एक मैग्नानिमस भी होता है, मैग्नानिमस मतलब बड़े दिल वाला, काइंड पर्सन, ठीक है, बड़े दिल वाला। और मैग्नानिमस किसको बोल सकते हैं हम, जो लोगों की मदद करता है, तो हम एल्ट्रिस्ट पर्सन को ही बोल सकते हैं, एल्ट्रिस्ट मतलब जो लोगों की मदद करता है। और किसको बोल सकते हैं, फिलेंथ्रोप, फिलेंथ्रोप कौन होता है, ऐसा व्यक्ति जो लोगों की मदद करता है, या फिलेंथ्रोपिक एडजेक्टिव बन जाएगा, तो फिलेंथ्रोपिक एल्ट्रिस्ट मैग्नानिमस, बड़े दिल वाला जो लोगों की मदद करते हैं, ठीक है। और मैग्नी माने बड़ा, तो पता ही लग गया मैग्नी माने बड़ा, मैग्नी लोक लग गया तो बड़ी बड़ी बातें करना, सोल माने सेल्फ, तो सेल्फ से बात करने को बोलते हैं सोलिलोक्वाय, लोक माने टॉक, लोकोवेशियस बातूनी। अब थोड़ा रूट से अलग आ जाते हैं, क्या होता है फुल ऑफ एक्सेसिव टॉक, बहुत ज़्यादा बातें करना, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है एडजेक्टिव। अब अगर आपको ये पता लग गया है कि वही वैसे लगने से क्या बन जाता है एडजेक्टिव, सबको क्लियर हो गया, लोकोवेशियसली एल वाई लगने से बन जाएगा एडवर्ब, लोकोवेशियसनेस के लिए नाउन बन जाएगा, सिंपल गाइज, ठीक है। सेंटेंस नहीं बनाया मैंने, अभी बता देते हैं, लोकोवेशियस किसको भी बोल सकते हो, सिंपल बना लो शी इज अ लोकोवेशियस टीचर, बहुत बातूनी टीचर है वो, तो लोकोवेशियस टीचर हो गया। लोकोवेशियस क्या एडजेक्टिव, किसके बारे में बता रहा है, टीचर नाउन के बारे में। मैं बहुत सिंपल बनाता हूँ गाइस स्टार्टिंग में सेंटेंसेस, सेंटेंस टफ बनाना इज नॉट अ बिग डील अगर आपको बेसिक आ गया, ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट लर्निंग करने। सिनोनिम्स देख लो, गैरुलस आता है एग्जाम के अंदर, गैरुलस टॉकेटिव, माउदी, माउथ से बाउदी बना, मोटर माउथ थर, ठीक है, बातें बहुत करने वाला। सरकम लोकेशन का मतलब होता है घुमा फिराना, मतलब आप पॉइंट पे नहीं आ रहे, घुमाना फिराना बातों को, इतनी लंबी बात कर दी लेकिन पॉइंट पर नहीं आए, सरकम लोकेशन। गैरुलिटी वही गैरुलस से बना, नाउन है ये एडजेक्टिव था। प्रॉक्सिलिटी ज़्यादा, वर्बलिज्म ज़्यादा शब्दों का यूज़ करना, वर्बोस को बोलते हैं हम शब्द बहुलता, बहुत ज़्यादा शब्द यूज़ करना, वर्डिनेस भी शब्द बहुलता और विंडिनेस भी, इन सब का मतलब है ज़्यादा शब्दों का यूज़ करना या ज़्यादा बोलना। एंटोनिम्स क्या हो जाए, क्लोज माउथेड, बिल्कुल कम बोलने वाला। टैसी टर्न एग्जाम में आता है, टैकी टर्न बोलते हैं इसको, इंपॉर्टेंट वर्ड है। लैकोनिक माने कम बोलने वाला, लैक से याद कर लो एल ओ सी, हालांकि लोग मैंने बोला लेकिन लैक है, लैक मीन्स कम, तो कम बात करने वाला। रेटिसेंट कम, टाइट लिप्ड जिसके टाइट लिप्ड है मतलब बोलता कम है, अनकम्युनिकेटिव है, कम है, डम्ब नहीं बोल पाता। ये कुछ वर्ड पढ़े आज हमने, किससे रिलेटेड थे ये सारे के सारे, ये तो कुछ तो हमने टॉकिंग टाइप्स पढ़ लिए, बातूनी के प्रकार, ठीक है, टॉकिंग टाइप्स। और ऊपर हमने पढ़ा स्टॉल वर्ड बहादुरता के लिए, यू नो बोल्डनेस के लिए, वेलर के लिए, वेलियंट के लिए, डॉन्टलेस के लिए, सारे वर्ड पढ़े हमने। अब आपको ये इन पे सेंटेंस बनाने, खुद पे अपने दोस्तों पर सेंटेंस बनाए, आपको पता लग गया क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में, और चैट में यू नो डिस्कशन करते टाइम, डिबेट करते टाइम, बातें करते टाइम इन वर्ड्स को यूज़ करें, यू विल फील कॉन्फिडेंट और एग्जाम में आपका गलत नहीं होगा गाइस, ठीक है। अब एक सेंटेंस बनाते जाते जाते, अजीम प्रेम जी इज मैग्नानिमस पर्सन इन द वर्ल्ड, ऐसे लिखते अजीम प्रेम जी इज द मोस्ट मैग्नानिमस पर्सन इन द वर्ल्ड, ये मेरा खुद का मानना है। मैंने ये सेंटेंस इसलिए बनाया क्योंकि मैंने अजीम प्रेम जी के बारे में जब पढ़ा तो मुझे पता चला अजीम प्रेम जी कौन है, विप्रो के फाउंडर है, ठीक है, कोई को मुझे बता सकता है विप्रो के फुल फॉर्म, तो विप्रो के फाउंडर है। तो विप्रो ये दुनिया के बहुत अमीर लोगों के अंदर आ जाते हैं अगर ये अपनी प्रॉपर्टी डोनेट नहीं करते। इन्होंने रिसेंटली अपनी 50% से भी ज़्यादा प्रॉपर्टी डोनेट कर दी है, ये 50% की अमाउंट आप गैस भी नहीं कर सकते कितनी थी, ठीक है, इतने ज़्यादा काइंड पर्सन, इतने ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन, इसलिए मैंने सेंटेंस बनाया। तो ऐसी आप सेंटेंस बनाओ लोगों के ऊपर, अजीम प्रेम इज द मोस्ट मैग्नेनियस, मतलब सबसे दयावान पर्सन लगे आपको। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, ये आज का वर्ड हो गया, थैंक यू गाइज़।